गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप लोगों के लिए कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। हम लोग उस पोर्शन को जनरली फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक वगैरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट कभी भी जब उस सवाल की लैंग्वेज में ट्विस्ट आ जाता है या उस सवाल को लंबा खींच दिया जाता है या फिर उस सवाल में एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए जाते हैं, तो वो सवाल फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। इतना इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस टाइप को डिस्कस करने वाले हैं आज। बेईमान दुकानदार पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, हम लोग आज उन्हें समझने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद उस सवाल को यूज करने के लिए कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करी जा सकती है, हम उन सभी चीजों पर भी बात करेंगे। बट आज का जैसा कंपटीशन का टाइम चल रहा है, इस टाइम पर हमें शॉर्ट ट्रिक से सवाल को सॉल्व करना सफिशियंट नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए जब वो सवाल की लैंग्वेज को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप अपने नोट्स पे हेडिंग डाल दीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट सेलर या शॉपकीपर या फिर बेईमान दुकानदार पर आधारित सवाल। ठीक है, अच्छा दुकानदार अगर बेईमान है तो वो बेईमानी किस तरीके से कर सकता है? आपके मन में पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि दुकानदार बेईमानी किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि जैसे कोई दुकानदार है, उसने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में, 1 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, इतना सामान वो खरीद के लाया, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो अगर वो इस प्राइस के साथ पे छेड़खानी कर रहा है, इस 100 रुपए को वो बढ़ा के लिख रहा है 120 रुपए, अगर वो इस 100 रुपए को बढ़ा के 120 रुपए लिख रहा है, तो ये बेईमानी नहीं है, ये दुकानदार का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो उसको फायदा नहीं होगा, उसका फैमिली कैसे चलेगा, तो यहां पर बेईमानी नहीं होगी। मतलब प्राइस में कोई भी हरकत आप करते रहो, कोई भी बेईमानी नहीं है। यहां की चीजें उसके प्रॉफिट में कैलकुलेट होती हैं, और प्रॉफिट और बेईमानी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो फिर बेईमानी क्या होती है? बेईमानी वो चीज होगी जब वो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ में छेड़खानी करे, जब उसकी क्वांटिटी के साथ में छेड़खानी करी जाएगी वो बेईमानी है, वो चोरी है। प्राइस में आप कम करो ज्यादा करो, ये उसके पास में अथॉरिटी है, इसीलिए वो दुकानदार है। भाई सपोज करो कि अगर कोई दुकानदार है 100 रुपए में खरीद के लेके आया, अगर वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा कैसे चलेगा? लॉजिकल है बात, नहीं है। लेकिन बेईमानी यहां पर हो जाएगी कि भाई आपको बोले कि हम आपको 1 किलो तौल रहे हैं, खराब वाला बाट यूज करें डुप्लीकेट वाला, उसमें 100 रुपए की चोरी हो रखी है। भाई वो दिखने में उसका वजन उस पर लिखा हुआ है कि 1 केजी है, बट वो एक्चुअल में 800 ग्राम का है, तो वो चोरी है, वो बेईमानी है। मतलब क्वांटिटी के साथ में जो छेड़खानी करी जाएगी वो बेईमानी में काउंट होगी, ना कि प्राइस में। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर ही होगा कि जो भी आप छेड़खानी क्वांटिटी में करोगे ये आपकी बेईमानी कहलाएगी। ये पॉइंट क्लियर है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि बेईमानी वाले सवाल तभी यूज होंगे, तभी बेईमानी वाले कॉन्सेप्ट यूज होगा जब दुकानदार वस्तु की क्वांटिटी के साथ में छेड़खानी कर। आपसे कहा जाएगा कि एक दुकानदार है, वो 100 रुपए पर किलो के हिसाब से सामान बेच रहा है, कोई फर्क नहीं है, अभी तक बेईमानी नहीं है। लेकिन फिर आपसे बोला जाएगा कि लेकिन बेचते टाइम 100 ग्राम कम देता है, क्वांटिटी के साथ छेड़खानी कर दी, मतलब बेईमानी कर गया। तो ये पॉइंट लिख लो कि बेईमानी तभी अप्लाई होगी जब प्रोडक्ट के क्वांटिटी के साथ में छेड़खानी करी जाए। अब वो क्वांटिटी कम हो ज्यादा हो वो अलग बात है, प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में छेड़खानी कर दी, आप बेईमान की श्रेणी में आ गए। अब कुछ बेईमानी बेईमान चतुर वाले होते हैं, वो फायदा कमा लेते, कुछ ज्यादा ही चतुर होते हैं तो ज्यादा चालाकी के चक्कर में उनका घाटा हो जाता है। तो जो कुछ भी चीज रहे, मतलब ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे पूछेंगे वो कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार वस्तु को टीपी पर बेचने का दावा करता है, दावा करता है
मतलब जितने में हम खरीद के लाए हैं उतने में ही हम बेचेंगे, लेकिन एक केजी की बजाय सिर्फ 750 ग्राम ही तोलता है सामान को, इस तरीके का लैंग्वेज रहेगा। ऑब्वियसली अगर उसने कम सामान दिया है तो उसका प्रॉफिट ही बनेगा, आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा, ऐसा कुछ भी पूछा जाएगा। तो भाई आप सीपी पर बेचो या आप 20% के प्रॉफिट पर बेचो या आप एमआरपी लगा दो, फिर डिस्काउंट लगाओ, कुछ भी करो, सवाल सिंपल था, लेकिन सिर्फ इस एक सवाल ने, एक लाइन ने, इस सवाल की डेफिनेशन, सवाल का जो भी प्रेजेंटेशन है सब बदल दिया। इस एक लाइन की वजह से यह सवाल डिसऑनेस्ट सेलर वाली कैटेगरी में पहुंच गया, तो हमें इस लाइन पर डिस्कशन करना है। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? हम लोग सॉल्व ऐसे करते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है कि कितना सामान उसने चुरा लिया। यही तो सीखते हो आप, एम आई राइट? यस और नो? आप पूछते हो कि कितना सामान चुरा लिया, बोले सर एक केजी की बजाय 750 ग्राम तोल रहा है, इसका मतलब 250 ग्राम का चोरी कर लिया उसने, तो कितना सामान चुरा लिया? आप कहते हो सर 250। बेचा कितना? बोले सर 750 ग्राम इंटू 100। आपका आंसर यहां से आ जाता है 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको लगता है कि जिस टाइम का अभी आपका एग्जाम का कंपटीशन चल रहा है, जो आपके एग्जाम में पेपर आ रहे हैं, ये सवाल अब आएगा? इसका तो टाइम गया है ना, अब इस सवाल का टाइम गया, ये सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, इतना इजी नहीं पूछा जाएगा। पूछ सकते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं आपके पेपर में जो सरल भी रहते हैं, हो सकते हैं उन कैटेगरी में आए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस किसके हैं? बोले सर इस सवाल को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वहां पर सीखना जरूरी है। प्रॉफिट लॉस का एक कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया था पहले, कि हम प्रॉफिट और लॉस तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हम अपनी लाई हुई सारी चीजें चिल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से 100 समोसे खरीदे, 5 रुपए के हिसाब से आपने कहीं से 100 समोसे खरीदे, बोले हमको इनको बेचना है। एसएससी में पढ़ रहे हैं, 3-4 साल हो चुका है पढ़ाई करते करते, सिलेक्शन हो नहीं रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है वो तुम्हें भी पता है, तो फोकस करो थोड़ा सा पढ़ाई पे, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, सबके होते हैं। तो सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने 100 समोसे लेके आए, बोले हम बेचेंगे इनको 5 रुपए के हिसाब से, तो ठीक है आपने बेचना शुरू किया 5 रुपए के हिसाब से, आप खरीद के लाए और आपने क्या देखा? बोले माहौल बढ़िया है, मौसम ठंडा है, हल्की हल्की बारिश भी हो चुकी है, चाय वाला बगल में बैठा है, पूरा माहौल सेट है। तो आपने कहा ये इस मौके का तो फायदा उठाना चाहिए, आपने समोसे बेचना शुरू किया 10 रुपए के हिसाब से, 40 समोसे आपने बेच लिए। आपने 40 समोसे बेच लिए, क्या आप अभी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कि आप अगर मैं पूछूं कितने रुपए का फायदा हुआ, आप नहीं बता सकते हो। कब तक नहीं बता सकते हो? जब तक जितना क्वांटिटी है प्रोडक्ट का, 100 समोसे हैं, जब तक वो 100 के 100 नहीं बिक जाएंगे तब तक हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लो अपने नोट्स में, कि जितना क्वांटिटी हमने परचेज किया है, जितना क्वांटिटी हमने खरीदा है, जब तक हम वो सब क्वांटिटी सेल नहीं कर देते तब तक प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं किया सकते। अगर आपने 100 में से 90 समोसे भी बेच लिए, डैम्स योर कि आप प्रॉफिट में पहुंच चुके हो, 10 रुपए के हिसाब से 90 बेचे, 900 के बेच लिए, 500 खरीद के लाए, तो प्रॉफिट में तो, लेकिन कितना प्रॉफिट है ये आपको नहीं पता है अभी, क्योंकि अभी 10 समोसे बिकना बाकी है। हो सकता है माहौल बढ़िया बन जाए, कपल एंट्री हो जाए 2-4 की, और कपल वालों को तो प्रॉपरली लूटते हो, है ना, तो फिर समोसा 10 से बढ़ के 50 रुपए कर सकते हैं ना, नहीं पता लगा सकते हो प्रॉफिट कितना होगा। कब पता लगा सकते हो? बोले जब सर पूरा सामान सेल हो जाएगा, ये पॉइंट समझो। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट समझे, कौन कौन से? पहला पॉइंट ये था कि बेमानी कब इन्वॉल्व होगी, जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ में छेड़खानी करी जाए, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम ज्यादा करेंगे तब बेमानी होगी। दूसरी चीज, प्रॉफिट या लॉस तब तक कैलकुलेट नहीं किया सकता है जब तक जितना प्रोडक्ट हम परचेज करके लाए हैं उतना प्रोडक्ट हम सेल ना करें। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं, तो इस टाइप में फिर कुछ बचा नहीं, अब काम करना शुरू करते हैं।
फिर सपोज कर लेते कि ये दुकानदार जो है ये सीपी पर कुछ सामान बेचने का दावा कर रहे हैं, हम एक बार मान लेते कि इसका सीपी कितना है, तो हमने मान लिया बच्चा यहां से कि ये बंदा 100 रुपए में 1000 ग्राम 1 केजी सामान लेकर आया, 1 केजी या फिर 1000 ग्राम सामान खरीद कर लाया था, ये इसका सीपी है। अब एसपी की उसने कंडीशन क्या रखी, उसने एसपी की कंडीशन रखी कि बेचेंगे तो इसे हम कॉस्ट प्राइस पर ही, मतलब हम 100 रुपए में ही बेचेंगे। कई बार आपसे कह सकता है कि 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो भैया फिर यहां पर 120 कर लेंगे, कई बार कहेगा हम 10% का घाटे पे बेचेंगे तो 90 कर लेंगे, तुम जैसे भी बेचोगे हम कर लेंगे यहां से। अच्छा 100 रुपए में बेच कितना रहे हो आप, तो आप कहोगे सर 1000 ग्राम दिखा तो रहा है, बेचा उसने सिर्फ 750 ग्राम, तो 100 रुपए में कितना बेचा उसने, कस्टमर को बताया कि हम 1000 ग्राम बेचेंगे लेकिन बेचा कितना, सिर्फ 750 ग्राम। अब अगर सिर्फ 750 ग्राम बेचा है, इसका मतलब अभी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि सर 1000 ग्राम खरीद के लाए हैं और बेच रहे हैं 750 में। अब हमारा टारगेट ये है, या तो हम इसको 750 ग्राम बना लें तब भी दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, जितना खरीदा उतना बेचा, या फिर हम इसे 1000 ग्राम बना लें। अब मर्जी आपकी है कि आप कैसे बनाओगे, आप इसको चेंज करोगे या इसको चेंज करोगे, ये फ्रीडम आपके पास है। लेकिन सॉल्व तभी करेंगे जब ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगी। तो एक बच्चा इसको 1000 बनाने की कोशिश करेगा, तो 1000 बनाने के लिए क्या करोगे, बोले सर 4/3 से गुणा कर देंगे, 4/3 से गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा, इधर भी 4/3 से गुणा कर देंगे टोटल कितना हो जाएगा 400/3। क्लियर है या नहीं है? अगर इसको हमें 1000 बनाना होगा तो हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, अगर हमें इसको बनाना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। इसी तरीके से अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400/3, और 400/3 कितना होता है, आप लोगे सर 133 सही 1/3 होता है। मतलब 100 रुपए में आपने 1000 ग्राम खरीदा, 133 सही 1/3 में आपने 1000 ग्राम बेच दिया, कितना प्रॉफिट हो गया 33 सही 1/3। अच्छा ये आपका फॉर्मूला है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है, ये दिखने में सरल लग रहा है, और ये आपका कॉन्सेप्ट है तो देखने में लेंदी लग रहा है, बट आपको एक चीज और पता है कि कॉन्सेप्ट उस टाइप के हर सवाल में यूज होगा, मतलब बेईमानी वाला सवाल कोई भी आए ये तरीका यही रहेगा, बट शॉर्ट ट्रिक हमेशा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर चलती है, पर्टिकुलर सवाल पर चलती है। तो ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के सवाल पर लगेगा। अगर उसने कह दिया कि वह सीपी पर नहीं बेच रहा है, वो 10% के घाटे पर बेच रहे, सवाल की कंडीशन बदल जाएगी यहां की, लेकिन ये यही रहेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने की, उसके बाद में 2-3 सवाल इस पर प्रैक्टिस करके फिर हम लोग आगे पहुंचेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया, 1-2 सवाल की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख के जाओगे। ठीक है, एक सवाल आपके सामने है, एक दुकानदार जो है वो क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, बोले हम जितने में खरीद के लाए हम उतने में ही बेचेंगे, लेकिन 900 ग्राम का बाट यूज कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य पर बेचने की बात कर रहे हैं तो सीपी कितना रख लिया जाए। आप कहोगे सर सीपी अंडरस्टूड है कि 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीदो, ये आप कुछ भी मान सकते हो, 1000 हमने इसलिए मान लिया कि 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है 1 केजी पर, यहां पर डिटेल में नहीं दिया कि बट यूजेस 900 ग्राम वेट किसकी जगह पर, बट अंडरस्टूड है वहां पर टाइप कम है, प्रॉपरली सवाल इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, किंतु 1000 ग्राम की जगह या 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। अभी हमें यहां से यह पता नहीं चल रहा है कि वो 900 ग्राम का बाट यूज तो कर रहा है बट किसकी जगह पे, क्या पता 2 किलो की जगह पे यूज कर रहा है ना, तो लैंग्वेज में थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है, वो लैंग्वेज आप अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। तो ओवरऑल 900 ग्राम वो बेच रहे, 1000 ग्राम खरीद के लाए 100 रुपए में, और बोले सीपी पर ही बेचेंगे जितने में हमने खरीदा था, तो एसपी हो गया, बोले बेचेंगे तो हम 100 रुपए में ही, बट बेचेंगे कितना 900। अब या तो आप इसे 900 ग्राम कर लो या फिर आप इसे 1000 ग्राम कर लो, कैसे भी करो, या तो इसे 900 कर लो या इसे 1000 कर लो, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मैंने क्या बताया था, जितना खरीद के लाए उतना ही बेचो। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको चेंज किया था, इस वाले में दूसरे वाले चेंज कर ले। अगर हम दूसरे वाले को चेंज करेंगे तो बच्चा यहां से अगर हम 1000 ग्राम 100 का है तो 900 ग्राम कितने का हो जाएगा, बोले सर 900 ग्राम हो जाएगा 90 रुपए।
क्वांटिटी सेम होगी, 900 ग्राम यहां पर भी बिक रहे हैं, 900 ग्राम खरीद रहे हो, यहां पर भी 900 ग्राम बेच रहे हो, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई चीज 90 में खरीदी 100 में बेची, क्या प्रॉफिट हुआ? बोले सर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 90 पर इंटू 100, आंसर 100/9%। यही इस सवाल का, कोई प्रॉब्लम? दूसरा बच्चा इसको 1000 बना के भी काम कर सकता है। मैंने क्या बताया टारगेट क्या है? तो सर टारगेट ये है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम रखनी है, और ये सिर्फ इस टाइप के सवाल में नहीं होगा, पूरे प्रॉफिट लॉस टॉपिक में ये लाइन काम करेगी कि प्रॉफिट या लॉस तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते हो जब तक जितना क्वांटिटी परचेज किया है उतना सेल ना करो, बिकॉज इट्स अ बेसिक पॉइंट। क्लियर है? एक और सवाल लगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेच रहे हैं। भाई अभी तो सीपी वाला था, इस बार बंदे का मूड बदल गया, बोले 10% के प्रॉफिट पर बेचेंगे हम, साथ ही किंतु वजन में 10% का घपला करता है। 10% का घपला मतलब क्या हो गया? बोले 1 किलोग्राम की जगह 900 बेचेगा, या फिर 100 किलोग्राम की जगह 90 ग्राम बेचेगा, 10 किलो की जगह 9 किलोग्राम बेचेगा, 10% की चोरी करेगा, 10% का घपला करेगा। अच्छा, अब यहां पर कुछ लोगों के एक ये सवाल पता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, हमसे कई बार बच्चों ने इस सवाल पे पूछा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही इस सवाल को लेकर के। समझ लो यार, इस सवाल की पहले प्रॉब्लम एरिया समझते, ये सवाल सॉल्व करना कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, सवाल को सॉल्व करके कोई मतलब नहीं, सवाल तो अभी लगवा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे रही थोड़ी सी एक बेसिक पॉइंट की बात करते हैं। ये 10% का मतलब क्या होता है? 10% प्रॉफिट मतलब सर प्रॉफिट हो रहा है, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या होगा? 10% घपला मतलब सर 10% घपला मतलब प्रॉफिट हो गया, करेक्ट है। तो ले सर 10% का प्रॉफिट यहां से हो रहा है, 10% का प्रॉफिट वहां से हो रहा है, तो क्यों ना हम इस 10% प्रॉफिट और उस 10% प्रॉफिट को यूज करके नेट इफेक्ट लगा के 21% प्रॉफिट लिख सकते हैं, हाँ या ना? और कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिन्होंने इस 21% को करेक्ट बोला है। आपके भी मन में ये चीज रहेगी, सवाल की लैंग्वेज और टर्म्स मैंने बदल दी, तरबूज डाल दिया यहां पे, बट आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, सवाल में लिखा भी होगा कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है और बेचते समय वजन में 10% की चोरी करता है, उसका ओवरऑल परसेंटेज रेट बताइए। कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर इसका आंसर जो रहेगा वो आंसर 200/9% होगा या फिर 21% होगा। अभी तक डाउट है, कंफर्म नहीं कर पा रहे कि कौन सा सही होगा। समझ लो यार, तो ये 21% जो हो रखा है मेरे अकॉर्डिंग गलत है। अब जब गलत है तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन करो, जो भी हमसे पढ़ते हैं उन्हें पता है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स पढ़ते और पढ़ाते दोनों टाइम पे, कि भाई आप बोले गलत है, मान गए ना सेंगर गलत है, लेकिन क्यों गलत है? कैन यू एक्सप्लेन? अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी है तो गलत है, और अगर नहीं है तो मतलब अंधे में तीर मार दिया। अच्छा, गलत क्यों उसके बारे में समझते हैं। ये प्रॉफिट है कोई शक की बात, बट दूसरा वाला प्रॉफिट नहीं है, दूसरा वाला चोरी है, और चोरी प्रॉफिट जरूर देता है लेकिन चोरी और प्रॉफिट कभी भी सेम नहीं हो सकता। यह चीज आप पिछले सवाल से लिख सकते, पिछले सवाल में भी वो 10% की ही चोरी कर रहा है, करेक्ट या नहीं? पिछले सवाल में भी वो 900 ग्राम बेच रहा है, मतलब 10% की ही चोरी कर रहा है, बट प्रॉफिट हो रखा है आपका 11/1/9%, 100%। तो प्रॉफिट और चोरी कभी भी सेम नहीं होते, हमेशा ध्यान, ठीक है? बाकी कभी डिटेल में कभी डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट को लेकर के, तो और अच्छे समझेंगे। ओवरऑल इतना पॉइंट समझ गए कि यो जो 10% घपला है वो 10% का प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट जरूर है, उससे प्रॉफिट होगा लेकिन 10% का होगा, ये गलत है, उससे प्रॉफिट होगा 11/1/9% का। तो अगर आपको नेट इफेक्ट लगाना है तो आप इसको 10% ना लिख के 11/1/9% लिख दो, लगा दो नेट इफेक्ट, सही आंसर आएगा। पहली चीज क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये सवाल आ रखा है तो फिर करना कैसे रहेगा? तो देखो यार, वही फिर से काम जो मैंने बताया कि भाई कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता, बेसिक कभी भी नहीं बदलता है,
टीपी अगर आपने लिया 100 रुपए में, कितना बेचना है? बोले 100 रुपए में कितना खरीदा? बोले सर 1000 ग्राम खरीदा। कितना खरीदा? 1000 ग्राम खरीदा। बेचना कितना है? बोले सर बेचना तो है 10% के प्रॉफिट पर, तो 100 रुपए वाली चीज कितने में बेची? तो सर 10% के प्रॉफिट पर मतलब 110 रुपए में बेचेंगे। और बेचते टाइम तुमने 10% का घपला भी कर दिया, मतलब बेचा कितना? 900 ग्राम। अब बेटा या तो इसको तुम 1000 ग्राम बना लो या इसको तुम 900 ग्राम बना लो, क्वांटिटी सेम करना है आपको। यही चीज तो सिखाया आपको। तो अगर क्वांटिटी सेम करेंगे, इसको 900 ग्राम बनाएंगे, तो अगर 1000 को अगर 900 ग्राम बनाया तो 100 रुपए हो जाएगा 90 रुपए। मतलब तरबूज आपने 90 रुपए में खरीदा, 110 रुपए में बेच दिया। क्लियर है? 900 ग्राम खरीदा, 900 ग्राम बेच दिया, कहानी खत्म। वो चीज सेम है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो 90 रुपए में खरीद के 110 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो गया? आपको कहोगे सर 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 90 रुपए की कॉस्टिंग पर इंटू 100। आंसर हो जाएगा आपका 200/9%। लास्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको बेसिक में इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा जगना शुरू हुआ होगा। बोले सर बेसिक है तो दमदार है ना, बेसिक है तो दमदार चीज, और ये बेसिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इससे सवाल किसी भी लेवल पे आप घुमाते रहो, सवाल इन दो लाइन से तीसरी लाइन में नहीं घूमे। क्लियर है? तो अब आगे और बढ़ सकते हैं हम लोग, करेक्ट। चल अगला सवाल आप लोग लगाएंगे। एक बेईमान दुकानदार क्रेमुल पर 6/4% की हानि उठा रहा है, उठाओ, लेकिन 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बाट यूज कर रहे हैं। 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बाट यूज कर रहे हैं। जरा इसको सही करो, कितना हो जाएगा? 6 × 24 और 1 = 25, ये कितना होता है? 1/16 होता है। 1/16 की हानि उठा रहे हैं, मतलब 16 रुपए की चीज पर 1 रुपया लॉस खा रहे हैं। कितना क्लियर है? चलो भाई अब सॉल्व कैसे करना है। तो सीपी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 16 रुपए में वो कोई सामान खरीद के लाया, उसने 16 रुपए में कोई सामान खरीदा। क्यों 16 रुपए में खरीदवा रहे हो? क्योंकि भाई 1 रुपए का घाटा तुरंत आराम से कर देंगे। 1/16 का घाटा उठा रहा है, मतलब 16 रुपए की चीज पर 1 रुपए का घाटा उठाएगा, इसलिए 16 रुपए ले लिया। पहले 100 रुपए इसलिए लेते थे कि इजीली हमारी काम हो जाएगी। तो भाई 100 रुपए अगर लेंगे तो इतना घाटा देने का मतलब क्या? सरदर्द लेना। 93/4 में बेच रहे, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना। जब मान ही रहे हो तो मैंने क्या सिखाया कि वो चीज मानो जिससे तुम्हारा काम आसान हो, तब करने के लिए थोड़ी ना मानते हैं। तो हमने 16 रुपए का प्राइस ले लिया और बेच कितना रहा है? बोले सर 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो भाई चलो ठीक है, 16 रुपए में 16 ग्राम खरीदवा लिया। टीपी क्या हो गया? बोले सर 16 रुपए में 16 ग्राम खरीद के लाया। अच्छा आगे की बात क्या, बेचेगा कैसे? बोले सर बेच तो ऐसे रहा है कि घाटे में बेच रहा है 1 रुपए के। 1 रुपए के घाटे में बेचा मतलब 15 रुपए में बेचा। 1 रुपए के घाटे में बेच रहा है मतलब कितने में बेचा? 15 रुपए में बेचा। और बेच कितना रहा है? बता रहा है तुम्हें कि हम 16 ग्राम बेच रहे हैं, लेकिन बेचा कितने? 14 ग्राम। मतलब 15 रुपए में बेटा उसने 14 ग्राम बेचा। अब तुम्हारे पास एसपी भी है और सीपी भी, या तो इसको 16 बना लो या फिर इसको 14 बना लो। मेरे अकॉर्डिंग इसको 14 बनाना ज्यादा इजी है, यस और नो? तो अगर हम इसको 14 ग्राम बनाएंगे तो 14 ग्राम, 16 रुपए में 16 ग्राम, तो 14 रुपए में 14 ग्राम, कहानी खत्म। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, सीपी जो है 14 ग्राम खरीदा, 14 ग्राम बेच दिया, क्वांटिटी सेम, प्राइस 14 रुपए में खरीद के 15 में बेच रहा है। 14 में खरीद के 15 में बेच रहा है मतलब प्रॉफिट कमा गया, दुनिया को दिखाया कि घाटा खा रहे हैं, कमा गया प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया? तो आपको सर 1 रुपए प्रॉफिट कमाया 14 रुपए वाली चीज पर इंटू 100। तो यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो 14 × 7 = 98, 7 सही 2/14 मतलब 7 सही 1/7% का प्रॉफिट। और इस सवाल को आप अपनी शॉर्ट ट्रिक से लगा लेना, कंपैरिजन कर लेना, ना इस मेथड पे आ जाओ तो, क्योंकि मैंने एक ही चीज बताई, कॉन्सेप्ट से चलोगे दो लाइन से तीसरी लाइन पर मूव नहीं करोगे, और शॉर्ट ट्रिक हर सवाल के साथ बदलेगी आपकी। ये फर्क होता है कॉन्सेप्ट में। और मैं कह रहा हूं सवाल की लैंग्वेज कितनी भी आप घुमाते रहो, अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ गए तो अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। उम्मीद करते इन 3 एग्जाम्पल से ये बेईमान दुकानदार वाले सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और वहां पर हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी प्रैक्टिस में हो, है ना? और सब लोग कमेंट करेंगे कि क्या क्या रिप्लाई रहेगा, क्या क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक दुकानदार चावल को 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। बोले बेचो, खुशी की बात है, तोड़ते समय 20% कम बेच रहा है,
और खुशी की बात है, बेचो जो करना है करो। क्या किया जाए? बोले सर एज यूजुअल सीपी 100 रुपए में 1000 खरीद के लाया, एसपी 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 110 रुपए में बेचेगा, 20% कम तोल रहा है, 1000 ग्राम को अगर 20% कम तोलेगा कितना तोला उसने? बोले सर 800 ग्राम तोला है। अब मर्जी तुम्हारी है, या तो इसको 800 कर लो या इसको 1000 कर दो, क्योंकि क्वांटिटी सेम करना है आपको। तो हम ऊपर वाले को 800 कर लेते, ज्यादा इजी रहेगा, तो इसको 800 कर ले भाई, दोनों पे फ्रीडम है। इसको हम 1000 भी करके काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है क्वांटिटी सेम करना, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस का रूल है कि जब तक जितना सामान परचेज किया उतना सेल नहीं करेंगे, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो क्वांटिटी सेम करना है। अब क्वांटिटी सेम दो तरीके से हो सकता है, या तो इसको 1000 कर, इसको 800 कर दो, या इसको 1000 कर दो, या फिर एलसीएम वाला प्रॉफिट शेयर कर लो, भाई इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 केजी, 4 केजी बना लो, कुछ भी करो, हमें उससे फर्क नहीं है। हमारा टारगेट यही है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। दैट्स इट। कैसे कर रहे हो ये तुम्हारा कॉल है, क्लियर है? तो 800 ग्राम कितने में बेचा, खरीदा था? बोले 80 रुपए में, चीजें खत्म। 80 रुपए में खरीद के 110 में बेच गया, 110 में बेच गया, कितना प्रॉफिट हो गया आपको? भी सर प्रॉफिट हो रखा है इसे 30%, 30 रुपए का 80 पर, तो 3/8 डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते हो, इंटू 100, तो 3/8 हो जाएगा आपका 37.5% का गेन हो रहा है इसे, प्रॉफिट। क्लियर, खत्म, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, इस बार नहीं बताया कि कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच रहा है, X% पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 20% कम वजन तोल रहा है, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा, 37.5% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। सवाल पूरा लास्ट वाला है, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करना है आपको। आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स का मान आपसे पूछा है, सॉल्व कर। बोले सर सीपी, लास्ट वाले सवाल से कोई कॉपी नहीं करेगा, सपोज करो एग्जाम में आ गया तब तो कॉपी नहीं कर पाओगे ना। फिर सर सीपी 100 रुपए के हिसाब से खरीदा सर, 1000 ग्राम खरीद के, फिर क्या होगा? बोले सर अब एसपी है इसका, 1% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, नहीं पता सर कितने में बेचा, नहीं पता कितने में बेचा, ठीक है, कितना बेच रहा है? बोले सर 800 ग्राम बेचा, काम तो नहीं बनेगा ऐसे 800 ग्राम से, काम तो तब बनेगा जब आप 1000 ग्राम बेचो। तो एसपी कितना होना चाहिए आप कहोगे सर, एसपी हो जाएगा यहां से, यहां पर आएगा 137.5, किसका? बोले सर 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम, जब वो 1000 ग्राम बेच ले रहा है तब 137.5 में बेचा और 37.5% का प्रॉफिट कमाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर 1000 ग्राम 137.5 का है तो 800 ग्राम कितने का होगा? बोले सर 5/4 से, 4/5 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर, 4/5 से मल्टीप्लाई कर, ये हो गया 4/5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 7 × 1 = 8, 110 हो जाएगा, बस खत्म ये सवाल था। या तो ऐसे कर जाओ या फिर सवाल को पलट जाओ, सवाल को पलट भी सकते हैं, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? बोले सर दूसरा तरीका ये हो जाएगा, हम ये भी कर सकते हैं कि 800 ग्राम अगर ये है तो ये वाला 800 ग्राम कितने का हो जाएगा? बोले सर 80 का, 80 का 37.5% मतलब 3/8, 30 रुपए का प्रॉफिट, 30 रुपए का प्रॉफिट देना होगा तो प्लस 30 कर देंगे तब भी 110 कर सकते, चाहे ये वाला लगाओ चाहे वो वाला लगाओ, बट रहेगा तो ओवरऑल सब कुछ कॉन्सेप्चुअली ना, क्लियर है? दो तरीके और तीसरा वाला पुराने वाले से चेप लेना बढ़िया है, ठीक है। तो ये सब कुछ था आपका बेईमान दुकानदार। एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, इसमें कई चीजें यूज करी गई है, ये मैक्सिमम लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करी गई है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी कर रहा है। अब खरीदते समय चोरी कैसे करेगा भाई? बेचते टाइम पे 20% की चोरी मतलब कम दिया, खरीदते टाइम कैसे चोरी करता है? घर पे जब दिवाली होती है तो कबाड़ा खरीदने वाले आते हैं लोग, आप लोग भी बेचते होंगे। बचपन में हम लोग की पॉकेट मनी मोस्टली वही होती थी, घर की सफाई भी हो जाती थी इस बहाने और हम लोग को अर्निंग भी हो जाती थी, वो अपना खुद की मेहनत का पैसा होता था। मेहनत का पैसा खैर अभी भी है,
उसकी बात अलग होती थी, उसकी जो वैल्यू मतलब जो क्वांटिटी होती थी ना, जो अमाउंट होता था वो कम होता था, पर उसकी वैल्यू काउंट नहीं कर सकते, है ना? आप लोगों ने भी फील किया होगा। तो बस वही सब चीज है। तो जो कबाड़ी लोग होते हैं वो खरीदते होते हैं, और खरीदते टाइम पे वो चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? वजन आपको दिखाई पड़ेगा 1 किलोग्राम है, लेकिन वो लोग ज्यादा ले जाते हैं आपसे, वो चोरी होती है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई 1 किलोग्राम आपको दिख रहा है बट उसने 800 ग्राम ही आपसे लिया, तो इसमें तो उसका कट गया, मतलब उसको घाटा हो गया ना। हाँ सीधी बात है, कट ही गया, ठीक है ना? तो अब यहां पर ये बंदा खरीदते टाइम भी चोरी कर रहा है और बेचते टाइम भी चोरी कर रहा है, अब क्या चलेगा? तो जो जेन्युइन प्राइस है वो हो गया जेन्युइन प्राइस, जेन्युइन प्राइस हो गया 100 रुपए में 1000 ग्राम, ये आपका जेन्युइन प्राइस। क्लियर है? अगर हम बात करें उस दुकानदार की, तो खरीदते टाइम तो भाई खरीदा तो 100 रुपए में उसने, खरीदा 100 रुपए में, लेकिन खरीदते टाइम 20% की चोरी मार दी। तो 1000 ग्राम खरीदना था, कितना ये खरीद लेगा? 20% की चोरी कर दी इसने, तो अब ये भैया 1200 ग्राम खरीदेगा। बोलो हाँ या ना? कोई परेशानी किसी को? मैंने क्या बोला, सवाल कितना भी घुमाए तुम्हारा 2 से 3 लाइन नहीं होगी, ये लिख दिया तुम्हें समझाने के लिए, बाकी अगर ये दिमाग में होगा तो सीधे इसी लाइन पे आप पहुंचेंगे। खरीदा कैसे? बोले सर 100 रुपए में 1200 ग्राम खरीद रहे। अच्छा ठीक है, बेचते समय 40% की चोरी करते हैं, मतलब भयंकर चोर आदमी है, बोल रहा है 1000 ग्राम बेच रहे हैं, 40% की चोरी कर गया। कितना बेचा उसने? आप कहोगे सर बेचा उसने फिर 600 ग्राम। अगर 40% की चोरी कर रहा है बेचते टाइम पे, तो 1000 ग्राम दिखा के सिर्फ 600 ग्राम दिया, 40% चोरी कर गया। और एक चीज और है अभी, अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा दिखा रहा है कि हम बहुत कमजोर है, मरे जा रहे हैं, घाटे में बेच रहे सामान, 10% के लॉस पर बेच रहे, मतलब 90 रुपए में बेच रहे। हो गई दो लाइनें तैयार? आपका अगला टारगेट क्या है? बोले सर वजन बराबर कर ले। कैसे वजन बराबर करो? वो 1200 ये 600, सीधी बात है यार, डबल मार दे इसको। इसको अगर डबल करेंगे ये 1200 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 ग्राम। 1200 ग्राम खरीदा, 1200 ग्राम बेच दिया, कहानी खत्म। अब आ जाओ प्राइस पर, 100 में खरीदा 180 में बेचा, 80% प्रॉफिट। कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगा लेना अगर इससे सरल हो तो कहना। ये कॉन्सेप्ट की पावर होती है। कॉन्सेप्ट मतलब वो हथियार है ना जिसपे जितना धार लगाओगे उतना पावरफुल बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, 2 सवाल लगा के सीखना चाहते हैं, नहीं सीख सकते हो। 2 सवाल लगाएंगे ना तुम शॉर्ट ट्रिक सीखोगे, ना कॉन्सेप्ट सीखोगे, ना सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए मेहनत करना पड़ता है, आप मेहनत करो। और अब आपके पास बेईमान दुकानदार वाले जितने सवाल अवेलेबल हो, मैं खुली छूट दे रहा हूं, सवाल लगाओ। कोई भी सवाल आपको नहीं लग रहा है इस कॉन्सेप्ट के बाद भी मुझे सेंड कर सकते हो। मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे क्योंकि कोई भी सवाल बचेगा ही नहीं, बट अगर फिर भी किसी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, टॉपर्स क्लब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पर एक सेक्शन बना हुआ है डाउट के लिए। आप वहां पे, चाहे आप पेड स्टूडेंट हो मेरे या नहीं हो, या मेरे स्टूडेंट भी नहीं हो, बट अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो तो वहां पर आप वो सवाल पोस्ट कर सकते हो, और वहां पर अगर आप सवाल पोस्ट करोगे आपके हर एक सवाल का वहां पर हम लोग सॉल्यूशन पोस्ट करते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। जल्दी किसी नई वीडियो में ऐसी एक मजेदार कॉन्सेप्ट, कुछ मजेदार क्वेश्चन और थोड़ी मस्ती के साथ फिर से मिलेंगे। Oh, 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 o